खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं। बस दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों की जमीन की अहमियत याद रह सके। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं मिथिला की आवाज। आप देख रहे हैं सोनू के साथ कैमरा में सौरभ की। बिहार में कोरोना वायरस के कारण 4 संदिग्ध अवस्था में मरीज पाए गए हैं जिनको की पीएमसीएच रेफर किया गया है। बिहार सरकार तथा दरभंगा जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक सभी सरकारी एवं मॉल एवं सभी जगहों को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी ओर होली के मौके पर चोरों ने दरभंगा जिला में शासन व्यवस्था में पूरी तरह पास। दरभंगा पुलिस चोरों पर नकेल कसने में फिर भी फेल। एक ही रात में 3 घरों में लाखों की चोरी। शासन व्यवस्था में दरभंगा पुलिस को पूरी तरह अपना पास माना गया है। वहीं चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने में फेल साबित हो गई। अब तक चोरों की अधिकांशता घटनाओं में एक बात साफ हो गई है कि वे मकान का खोली होना तथा ताज़ा घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमानगंज मिश्रर टोला स्थित एक ही आवास के नीचे 3 घरों में चोरी की, जिनमें कि 3 लाख से अधिक धनों की चोरी की गई है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर अनुज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और सदर थाना क्षेत्र के धोई गांव निवासी अमरनाथ मिश्रा के पुत्र प्रशांत मिश्रा ने कोतवाली थाना को आवेदन देकर बताया कि वे अपने फुफेरा भाई मनीष मिश्रा के मकान आनंदी भवन के प्रथम मंजिले पर रहते थे। इसी भवन के 2 अन्य फ्लैट में भी 2 अन्य किराएदार कमतौल थाना क्षेत्र के कर्जा पट्टी निवासी भैरव पट्टी में रहते थे। मेरा भाईगना का मकान है। इस वीडियो के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति ने क्या कहा? थोड़ा गहना पैसा बचा बचा के रखते थे और दोनों में तोड़ के लॉकर तोड़ के गोदरेज का ले गया सारा सामान। नीचे का भी कुछ ऑर्नामेंट था और इन लोग का भी पैसा था। करीब कितना का गोल्ड का कैश करना था? हम लोग का 45-50 हज़ार कैश होगा और गोल्ड चैन अंगूठी तो 3 जोड़ी कान का था, ना नोज पिन भी था। कुल कितना का होना चाहिए अनुमान जेवर का? 1.5 लाख का होगा। थोड़ा थोड़ा बचा के रखे हुए थे, अब उतना तो हम किरण मिश्रा